अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक, आप लोग भी ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको सिंपल सी वो गोश्त की कढ़ाई बताऊंगी। ये है गोश्त की कढ़ाई। अभी मैं बनाऊंगी और आप लोग भी बनाइएगा जरूर और बना के खाइएगा। मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, ये है टेबल स्पून ये सूखा धनिया, हरी मिर्ची है, ये देखें जी धनिया है, टेबल स्पून मोटी वाली मिर्ची, टेबल स्पून ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, हल्दी, और इसका नमक टेबल स्पून, ये है कढ़ाई का पैकेट 2 स्पून। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों ने मुझे पहले भी बोला था, अब हमें बताएं कैसे आप पूरा सही तरह बताया करें, ठीक है। और ये देखें, ये है 1 स्पून मेथी, ये अदरक, ये देखें ये 1 किलो गोश्त, और इसके साथ है बॉल, जो बनाएगा उसको इनाम मिलेगी। और ये है 1/2 किलो टमाटर, वो मैंने छिलका उतार के इसके छोटे छोटे काट लिए थे। ये है सारा सामान, ये देखिए मेरा, ठीक है। चले जी, इसमें मैं अब गोश्त डालूंगी, बिस्मिल्लाह। इसके साथ ना मैं गोश्त के साथ भुनाई करूंगी। मैंने ऑयल डाल दिया, पंजाबी तरीके में 2 डोंगे ऑयल दे ओ पाएंगे। मैं देखें ये गोश्त भुन जाएगा, थोड़ा सा पकते पेस्ट करो पूरा। गोश्त की कढ़ाई है, सिंपल सी है, लेकिन बहुत मज़ेदार है, यमी यमी है, जो खाए वो ही पछता है। मैंने मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। ब्राउन हो गया गोश्त, फिर इसमें लहसुन अदरक डालूंगी मैं। अभी ये थोड़ा सा पक गया है ना, नीचे से स्टीम मार लो, हल्का चूल्हा फ्लेम, ज़्यादा तेज चूल्हा करूँगी, कुंडे सड़ जाएंगे। जल्दी जल्दी में तो नहीं करना चाहिए ना, आराम आराम से करेंगे, मज़ेदार बनेगी कढ़ाई, आपको सेम बाजार जैसी लगेगी। तो ना गोश्त की हमक होती है वो भी खत्म हो जाएगी ऐसे, लहसुन अदरक डालूंगी ना जब खत्म होगी, अभी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दी, लोग सब कहते हैं सही तरह हमें समझाया करें, सबकी कंप्लेन आई है, लेकिन इसमें ठीक है। ये लहसुन अदरक मैंने डाल दिया इसमें, इसको हम भून लेंगे, इसकी नमक है ना जो गोश्त की वो खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा ना देखें कलर इसका चेंज हो गया है, उसका मैंने आपको बोला ना ऑयल में करेंगे तो कलर भी चेंज हो जाए, इसके लहसुन अदरक से भी अच्छा हो जाए। और ये देखें इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, ऊपर मैंने
चूल्हा चला दिए, देखें तो ये नरम हो जाएंगे, ठीक है, नरम होंगे। फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर गल जाएगा गोश्त, तो फिर इसके अंदर ये डाल दीजिए ना भूल नहीं। अब इसके अंदर ये देखें आधी स्पून काली मिर्च डाल दें, मजे की कढ़ाई बनेगी, खाएंगे यमी यमी करके, हड्डियां साइड पे, गोश अंदर, पेट भर गया साडा। चाहे पटाखे के साथ खाएं, चाहे बसार की रोटी के साथ खाएं, चाहे घर की रोटी के साथ खाएं, खा लीजिएगा बना के। चलिए जी, अच्छा जी, अब इसमें मसाले डाल के भुना है, देखें हल्दी है, ठीक है, नमक मैंने आपको पहले बता दिया था, और ये मोटी वाली मिर्ची है, ठीक है, ये है सूखा धनिया, ये है गरम मसाला हीरा, और ये क्या गरम मसाला पिसा हुआ भी थोड़ा सा, अभी कलर आता रहेगा, तब्दीली आने लग जाएगी, अब ये गोश्त की मज़ेदार तब्दीली आएगी इसमें, तब ये गल जाएगा गोश्त ना, तो बड़ा मज़ेदार लगेगा, मेरा बेटा भी यमी यमी करके खाएगा, तो मज़ा आ जाएगा खाने का। देखिए कलर चेंज हो रहा है ना, फोन भी आ गया, पता नहीं किसका आ गया, चले तो नंबर साहब का फोन आ गया था, फोन सुनने लग गए थे, बोरी लेके आया था सीमेंट की, मेरा बाकी मैं सीमेंट की बोरी लाया, वो तो आपको मैंने बताया नहीं, टहने लग रही है बाथरूम में, दो हमारे बाथरूम बन गए, बस एक रहता है बाथरूम, इसकी भुनाई हो जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मजे से सच्ची से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे भी भुना हुआ हम खाएं ना, पानी लगा दें इसको बिल्कुल कुछ करके, बड़े मजा आएगा खाने में भी, सिर्फ यही मसाले हैं इसमें, और कुछ ना हो। ये है टमाटर, ये प्यूरी बन रही है टमाटर की, सॉफ्ट हो जाएंगे ना नरम, फिर जाके देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा ना ऑयल डाला हुआ, इसमें अच्छा हो जाएगा। बातें हैं कढ़ाई की, गोश अपना अपना गोश खाएंगे हम। मुझे वैसे मुर्गी पसंद है, ये मेरे बच्चों को गोश पसंद है, वो खाते हैं शौक से, हम खाते हैं मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी। देखें जी, ये है पानी, मैंने पीना नहीं है, इसमें डालने दो गिलास, बिस्मिल्लाह, दो गिलास इसमें पानी जाएगा, देखिए बिल्कुल गल जाना चाहिए, इसको हम मिक्स कर रही हूँ मैं, अब मैं ढक के रख दूंगी, जब ये गल जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको टमाटर ये डाल के फिर आपको दिखाऊंगी। चलिए जी, ये पानी देखें खुश्क हो गया, थोड़ा सा हल्का सा है ये गोश्त है, ये टमाटर डालेंगे इससे और सॉफ्ट हो जाएगा,
बहुत अच्छी बनेगी कढ़ाई में इंशाल्लाह ताला। प्याज का पानी भी टमाटर का भी बहुत है। बुलबुल उठ रहे हैं टमाटर पानी तो खुश करना है पानी को, ये थोड़ा सा इसमें भी पक जाएगा। अब देखूंगी इसमें मैंने आपको पैकेट का बताया था, 2 चम्मच पैकेट के मैंने डाले। ये देखें आखिर में पहले मसाले भून लिए थे ना, फिर अभी ये मैं डाल दूँगी। जरा सा भी नहीं छोड़िएगा। देखें ये अब मज़ेदार बने का कलर देखें चेंज होता जा रहा है। ये पकेगा ना बहुत अच्छे बन रहे थे कढ़ाई, कितनी अच्छी शक्ल आ रही है माशाल्लाह। पूरी तरह कच्चा कच्चा खा रहे हैं। अच्छी भुनाई करें फिर उसके बाद हम इसमें काली मिर्ची वगैरह डालेंगे, काली मिर्ची का भी हरी मिर्ची डालेंगे, मेथी डालेंगे। फिर जाकर इसकी शक्ल अच्छी है। इसको हमने भूनना है अच्छी तरह, फिर उसको दम पर रखूँगी फिर अच्छा लगेगा, थोड़ा। चले जी ये देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसमें मेथी डालूंगी, ये देखें मेथी है, इसको मैंने यूं लिया पीसिया, कुट कुट कर पीसिया इसे ऐसे कटी, ठीक है। और इसमें जो पीली होंगी ना वो ऊपर आ जाएंगी, ये देखें एंड जल्दी च सुटो और जल्दी च अदरक सुटो। ठहरो अच्छे पहले फून ला तो लवा। हाँ जी ये देखें जी, ये मैंने मेथी भी डाल दी, ये भी डाल दिया, ये सब हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह, इसमें ये है धनिया, महंगाई बहुत हो गई, ये सब साफ करके डाल दें, बिस्मिल्लाह सब कुछ सब डाल दें, फेंकना नहीं है, खाना है मजे से। ये देखें जी शक्ल देखें, माशाल्लाह क्या बातें हैं मेरे हाथों की, जो खाएगा मजे मजे से खाएगा, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह वाह। चलें जी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।